क्लास 12। लाइट का नेक्स्ट चैप्टर अब आपके सामने है। ये चैप्टर है प्रिज्म, रेफ्रेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। और प्रिज्म ट्रायंगुलर शेप ए बी सी, एक प्रिज्म है, कैसे होता है, दो ट्रायंगल्स से जो इस तरीके से आपका ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये ऊपर और नीचे पैरेलल रखे जाएं और इसकी तीन साइड्स रेक्टेंगुलर होती हैं, तो यही प्रिज्म बन जाता है रेक्टेंगुलर से। वैसे कोई भी अगर ये सरफेस में एंगल बनता है तो वो भी थोड़ा सा प्रिज्म जैसे ही वर्क करने लगेगा। तो ये है प्रिज्म। अब यहाँ पर कैसे इससे रेफ्रेक्शन होता है, प्रिज्म से रेफ्रेक्शन कैसे होता है, तो यहाँ पर देखें कि ए बी सी एक प्रिज्म है, बी सी उसका बेस है और एक रेफ्रेक्टिंग सरफेस है जिस पर रेफ्रेक्शन स्टार्ट होता है। ए बी इज द रेफ्रेक्टिंग सरफेस और उस पर लाइट की रे इंसिडेंट होती है, पी एन लाइट की रे इंसिडेंट होती है, तो एन पॉइंट पर इंसिडेंट हुई थी, एन पर नॉर्मल खींच दिया। ये डॉटेड लाइन जो बताते हैं, डॉटेड लाइन हम दिखा रहे हैं, ये डॉटेड लाइन क्या है, नॉर्मल किस पॉइंट पर, एन पॉइंट पर, तो परपेंडिकुलर किस पर होगा, ए बी पर। अब ये अगर हम पहला मीडियम है इसको एयर मान लें या ग्लास मान लें, तो रियर टू डेंस रेफ्रेक्ट हो रही है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, ऐसे सीधे नहीं जाएगी, ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, ये नॉर्मल ना, तो अब नॉर्मल और ये रेफ्रेक्टेड रे, पी एन तो हो गई इंसिडेंट रे, एन एन डैस जो है वो रेफ्रेक्टेड रे हो गई, उसके बीच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वन बना और आई वन हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। लेकिन यही रे रेफ्रेक्टेड रे जब यहाँ आ करके एन डैश पॉइंट, यहाँ पर देखो एन डैश पॉइंट पर फिर इंसिडेंट हुई, किस पर इंसिडेंट हुई, सेकंड सरफेस पर तो सेकंड सरफेस पर एन डैश पर इंसिडेंट हुई, तो यहाँ का जो नॉर्मल है ये खींचा नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से आगे चली जाएगी। ये देखो डेल यहाँ पर आई टू है एंगल, तो आई टू एंगल से आवे हो जाएगी, तो तीन रे हुई, इंसिडेंट रे पी एन, एन एन डैश रे रेफ्रेक्टर रे, एन डैश टी ये एमरजेंट रे है, ये कौन सी रे है, एमरजेंट रे, तो ये आई टू एंगल बना। अगर लाइट की रे इधर से चले तो ये इंसिडेंस हो जाएगा, ये रेफ्रेक्टेड हो जाएगा, ये इमरजेंट हो जाएगा, क्योंकि लाइट का पाथ रिवर्सिबल होता है। अगर ये प्रिज्म ना होता तो लाइट की रे यही तो रास्ता होता है, ये पी एन रे ऐसे जाती, तो प्रिज्म ने इसका पाथ चेंज कर दिया, एंड एस टी डायरेक्शन में भेज दिया, क्या कर दिया, डेविशन, यहाँ से ऐसे जा रही थी रे तो इसको डेवेट कर दिया, कितने एंगल से, डेल्टा एंगल से, ठीक है। जैसे अगर कोई लड़का स्कूल पढ़ने जा रहा है, यहाँ पर स्कूल है और स्कूल पर आराम से स्कूल पढ़ने जा रहा था, तब तक उसका एक कोई फ्रेंड मिल गया प्रिज्म जैसा ए बी सी, उसने कहा कि स्कूल क्या करने जा रहे हो, चलो हम लोग कहीं घूमाए पार्क वगैरह, तो उसने पार्क पहुंचा दिया, तो डेविशन उसके अच्छे रास्ते में, जो अच्छे उसका जो अच्छा रास्ता था चुना था आइडियल, उसको उसमें डेविट कर दिया। तो प्रिज्म रेज को डेविट करता, मतलब मैंने ये बैड एग्जांपल लिया, अच्छा भी हो सकता कोई अच्छा आदमी मिल जाए और अच्छा रास्ता बता दे, लेकिन डेविशन समझाने के लिए कि अपने पाथ से डेविट हो गया,
तो दैट इज, अब कितने एंगल से डेविएट हुआ, डेल्टा एंगल से। अब लड़कों से पूछा जाता है डेविएशन क्या होता है, डेविएशन तो डेविएशन को ऐसे तो समझ लोगे कि अपने पाथ से अलग हो जाना, दूसरे रास्ते पर जाना, तो कितना एंगल दोनों के बीच बना, डेल्टा। तो डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहाँ पर देखिए, ये जो दोनों नॉर्मल हैं वो पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो एक क्वाड्रेंगल ए एन ओ एन डैश ये क्वाड्रेंगल है, तो ये क्वाड्रेंगल में दो एंगल तो 90-90 अपोजिट हो गए, क्योंकि वो नॉर्मल के एंगल है। तो एक 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 एंगल यह है और एक एंगल यह है, ये दोनों नॉर्मल के हैं, तो ये क्या है 90-90, तो 180 हो गया। तो साइक्लिक क्वाड्रेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो ए और ओ मिलकर भी 180 बनाएंगे। तो उसी को मैंने यहाँ लिखा है कि एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए, ए में हम एंगल नहीं लगाए हैं क्योंकि ये फार्मूले में हम यूज़ करेंगे, तो फार्मूले में बार बार एंगल कहाँ लिखेंगे, वो का हमें फार्मूले में यूज़ नहीं करना, इसे लिख दिया ये। लेकिन कहेंगे तो एंगल, एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180, तो एक फार्मूला, एक इक्वेशन बना। अब एक ट्रायंगल लीजिए एन एन डैश ओ, इसके तीनों एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का सम भी तो 180 होता है, और इसके कौन कौन है, आर वन है, आर टू है, वो तो एंगल आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल ओ, आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल ओ, ये भी तो 180 होगा। तो ये दोनों 180 हैं, तो दोनों को बराबर कर दें। तो जब बराबर करेंगे, जब बराबर करेंगे तो ए प्लस एंगल ओ और आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल ओ दोनों बराबर है, तो एंगल ओ कैंसिल होगा, तो ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। ये पहला फार्मूला प्रिज्म का मिला, न्यूमेरिकल में भी कहीं कहीं यूज होता है। ए, ए माने रेफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, रेफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म आर वन प्लस आर टू के बराबर होगा। ए इज कॉल्ड रेफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, ए इज कॉल्ड एंगल रेफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म। अब द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे, दैट इज डेल्टा, इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविशन। तो एंगल ऑफ डिविशन निकालें, कौन से ट्रायंगल में मिलेगा, डी एन एन डैश में डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो ये चीज़ हम लोग पहुँच गए, हम लोग ये पहुँच गए कि डेल्टा विल बी इक्वल टू, डेल्टा विल बी इक्वल टू डी एन एन डैश प्लस एंगल डी एन डैश एन, ठीक है। ये चीज़ जो हमने बताया आपको कि ऐसा होता है, वहाँ ट्रायंगल में देखिए, ये है डी एन एन डैश और डी एन डैश एन, ये डेल्टा के बराबर है, और वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, डेल्टा इक्वल टू डी एन एन डैश प्लस एंगल डी एन डैश एन। तो इसमें जो पहला डी एन एन डैश है, ये आई वन माइनस आर वन के बराबर है, किसके बराबर है, आई वन माइनस आर वन, और दूसरा कितना होगा, आई टू माइनस आर टू। तो इसका मतलब डेल्टा जो है, आई वन प्लस आई टू एक साथ कर दो, माइनस आर वन प्लस आर टू, और आर वन प्लस आर टू आप निकाल चुके हैं, कितने के बराबर, ए के बराबर, तो ए यहाँ रख दो। तब आपका आएगा क्या आएगा कि डेल्टा इजक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए, यानी डेल्टा प्लस ए इजक्वल टू आई वन प्लस आई टू। ये आपका फिफ्थ फार्मूला निकला है, डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, ये ए इधर जाके डेल्टा प्लस ए हो जाएगा। इतना समझने में कोई परेशानी नहीं, अगर सुन लोगे देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब करते क्या हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपको ये दिखा दें, ये आई वन जो है,
ये है आई वन, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई वन, ये आप 30 डिग्री बना लें, हम एक्सपेरिमेंट वाली बात बता रहे हैं, 30 डिग्री एंगल बनाएं, 35, 40, 45, 50, 55, 60 तक भी ले जा सकते हो। तो इस एंगल के डिफरेंट एंगल के लिए डेल्टा ने मेजर कीजिए। आप क्या करेंगे, ये डिफरेंट एंगल कौन कौन इसका, 30 से शुरू करिएगा, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ही तक ले जाओ, और उसके लिए डेल्टा वन डेल्टा टू जो वैल्यूज हैं उन्हें निकालिए, मेजर कर लीजिए। जब इसे मेजर करेंगे और ग्राफ खींच डालिए किसमें, आई और डेल्टा में, तो आई डेल्टा में जो कर्व खींचेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, आई डेल्टा कर्व। जब हम कर्व खींचेंगे तो उसको क्या कहेंगे, आई डेल्टा कर्व कहेंगे, आई एक्स एक्सिस पर डेल्टा वाई एक्सिस। तो देखते हैं कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ डिविजन घटता जाता है। जैसे 30 पर जगह 30 रखा था तो 49 आ गया था, और हमने 35 किया तो 47 वगैरह आ गया, और घटते घटते यहाँ पर मिनिमम हो जाता है, ये नियरली 38 हो जाता है, 38 डिग्री। और फिर उसके बाद आई इंक्रीज करने पर डेल्टा बढ़ने लगता है। तो इस ग्राफ खींचकर मिनिमम डिविएशन निकालिए, मिनिमम डिविएशन बहुत इम्पॉर्टेंट डिविएशन होता है। इस समय जो इमेज बनती है शार्प बनती है, इसकी कंडीशंस ये सब लिखी हैं। क्या है मिनिमम डिविएशन कंडीशन, कि जब एंगल मिनिमम डिविएशन पोजिशन में प्रिज्म होता है तो आई वन आई टू के बराबर होता है। और क्या होगा, आई वन आई टू के बराबर होगा, इसको आई लिख दीजिए, आर वन आर टू के बराबर होगा आर लिख दीजिए, और एन एन डैश जो है वो बेस के पैरेलल हो जाएगी। ये देखिए, इसको तो हमें प्रिज्म में दिखाना पड़ेगा, आपको हम प्रिज्म में दिखाएं। ये देखिए, ये जो एन एन डैश है बी सी के पैरेलल होगा, एन एन डैश बी सी के पैरेलल, आई वन आई टू के बराबर, आर वन आर टू के बराबर, आई वन इक्वल टू आई टू इक्वल टू आई, आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू आर। अगर ऐसा करेंगे तो आर वन प्लस आर टू आर हो जाएगा, तो ये टू आर हो जाएगा, तो टू आर इक्वल टू ए, तो आर इक्वल टू ए बाई टू, और आई वन प्लस आई टू यहाँ पर जो हमने बताया आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फार्मूला है डेल्टा, ये है डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, तो ये टू आई हो जाएगा, तो डेल्टा ये टू आई हो जाएगा, तो आई इक्वल टू डेल्टा प्लस ए बाई टू। तो ये कंडीशन आप देख लीजिए जरा सा, ये देखिए, तो R तो A by 2 हो गया, और I कितना हो गया, पढ़िए, डेल्टा M मिनिमम डिविएशन प्लस A by 2, डेल्टा M प्लस A by 2, और R R कितना है, A by 2, इसने लगाइए कि N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, तो एन इक्वल टू साइन डेल्टा प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, या हम डेल्टा एम लिखते हैं, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, एम भी हटा दें क्योंकि न्यूमेरिकल में लगाने में एम कहाँ तक लिखोगे, समझ लो ये डेल्टा मिनिमम डिविएशन है, साइन डेल्टा प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, ये प्रिज्म का फार्मूला होगा, इससे हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। अब इसमें क्या है, हम आपको ये बता दें कि अगर एंगल्स स्मॉल हैं, ये जो आई आर स्मॉल हो, ए थिन प्रिज्म हो, तो साइन डेल्टा प्लस ए बाई टू इज नियरली इक्वल टू डेल्टा प्लस ए बाई टू, और साइन ए बाई टू भी नियरली ए बाई टू हो जाएगा, तो साइन यह हट जाएगा, तब टू भी कट जाएगा, तब जब टू कट जाएगा तो एन की वैल्यू आएगी डेल्टा प्लस ए बाई ए, और इससे एन ए इक्वल टू डेल्टा प्लस ए, तो यहाँ पर आपका आएगा डेल्टा इक्वल टू एन माइनस वन इंटू ए। तो ये
थिन प्रिज्म का फार्मूला है और ये थिक प्रिज्म का फार्मूला है। जब न्यूमेरिकल थिन प्रिज्म आए तो साइन वगैरह का झंझट खत्म, आप इसको साइन ऑर्डरली लगा लेंगे, नहीं तो आपको साइन थिक की वैल्यू देख करके निकालना पड़ेगा। कहीं कहीं ऐसे भी एंगल आ जाते हैं जिनको टेबल में देखना पड़ता है, और इसमें इसमें नहीं, इसमें तो डायरेक्ट आप लगा लेंगे डेल्टा इक्वल टू एन माइनस वन इंटू ए, यहाँ पर भी एंगल ऑफ डिवीशन निकलता है, हाँ यहाँ पर भी एंगल ऑफ डिवीशन निकलता है। और इस तरीके से प्रिज्म के बारे में हमने आपको सब कुछ बता दिया। अब हम इसके न्यूमेरिकल लगा लेंगे तब आगे बढ़ेंगे।